राज्यसभा की जिस सीट को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खाली किया है, उस सीट पर बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाकर भेजेगी? ये सवाल प्रदेश की सियासी फिजाओं में इस वक्त गूंज रहा है। राज्यसभा के नामांकन शुरू होने के साथ ही अब चर्चाएं भी शुरू हो गई है। 21 अगस्त तक नामांकन पत्र भरने के बाद 26 अगस्त तक ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। एमपी की इस एक राज्यसभा सीट पर कई दावेदार हैं, लिस्ट लंबी है और कई चौंकाने वाले नाम भी हैं। चलिए जानते हैं इस सीट पर किस दिग्गज को मौका मिल सकता है। बीजेपी की कद्दावर नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को एमपी से राज्यसभा भेजा जा सकता है। अंदर खानों की माने तो अमेठी सीट से लोकसभा का चुनाव हारने के बाद बीजेपी आला कमान उन्हें फिर से मुख्य धारा में लाना चाहता है। उन्हें राज्यसभा भेजकर पार्टी फिर से एक्टिव करना चाहती है। ऐसे में उनके नाम की सुगबुगाहट सबसे ज्यादा है। इस लिस्ट में दूसरा नाम पूर्व बीजेपी सांसद केपी यादव का है। दरअसल 2019 में जब सिंधिया कांग्रेस में थे, तब उनके ही कार्यकर्ता रहे केपी यादव ने बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़ा था। वो न सिर्फ लड़े बल्कि उन्होंने 2019 के चुनाव में सिंधिया को हराया भी था। हालांकि फिर 2024 में बीजेपी ने उनका टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना सीट से मैदान में उतारा। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि केपी यादव को इस त्याग का इनाम मिल सकता है, बीजेपी उन्हें राज्यसभा में एडजस्ट कर सकती है। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम सुरेश पचौरी का है। 50 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहने वाले पचौरी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का दामन थामा था। सियासी गलियारों की माने तो उन्हें बीजेपी में राज्यसभा भेजने की शर्त पर ही लाया गया था। आपको बता दें कि पचौरी पहले भी कांग्रेस की ओर से 4 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। अब देखना यह है कि उनके लिए 5वीं बार राज्यसभा के दरवाजे खुलेंगे या नहीं। इस लिस्ट में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम भी तेजी से लिया जा रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में दतिया से चुनाव हारने वाले नरोत्तम भी राज्यसभा चुनाव के जरिए संसद जाने की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने उन्हें न्यू ज्वाइनिंग टोली का संयोजक भी बनाया था। कांग्रेस नेताओं को तोड़कर बीजेपी में लाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेहद नजदीक नरोत्तम मिश्रा भी एमपी की से एक सीट से राज्यसभा की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।